आपके पास रियलमी पी टू प्रो है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन मैनेज कैसे कर सकते हैं? नोटिफिकेशन अगर यहाँ पे आपका ऑन ऑफ करना है या फिर कस्टमाइज़ करना है, तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, और यहाँ पे ये ऑन है। तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है कि लॉक स्क्रीन पे जब आप रहते हैं तो ऐसे डाउन करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं शो करना तो बंद कर देंगे, अब यहाँ से ये बंद हो जाएगा, अब नहीं आएगा। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑन रखूँगी, और इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, यूज़ ऐप शो ऐप ऑनली, यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन भेजेगा तो वो ओपन नहीं होगा, मतलब क्लियरली यहाँ पे लिखा नहीं होगा, देख सकते हैं जैसे गूगल का एक नोटिफिकेशन है, लेकिन क्या नोटिफिकेशन है ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ये वेक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, इसे ऑन रखेंगे, और ये सारे जो ऑन है इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन के पर्टिकुलर ही आपको बंद करने हैं, तो यहाँ से आप ऑफ़ कर लेंगे, ऑन करने हैं तो ऑन कर लेंगे, बैक कर लेंगे, बैनर आपको ऑन रखना है। ये तो गेमिंग वगैरह प्ले करेंगे, वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, तो जो ऊपर से पॉपअप आता है ना वो तेज़ साउंड नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पे बैजेस आ जाता है, तो बैजेस आपको कैसे रख रहे हैं, नंबर डॉट नंबर्स डॉट या नंबर डॉट दोनों, या फिर कुछ भी नहीं, तो डू नॉट कर देंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, ये कर दूँगी। और बाकी मैनुअली आप यहाँ से किसी पे हटाना है तो डू नॉट शो कर लेंगे, और जिस पे डॉट आएगा उस पे तो डॉट आएगा ही, क्योंकि होता है ना मिस कॉल वगैरह रिमाइंडर वगैरह दिखता है, तो यहाँ पे नंबर्स का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस कॉल पता चलेगी आपको। ऐसे करके यूज़ कर लेंगे, बाकी ये हो गया। स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आइकन शो कर लेंगे, बाकी ये सब स्टेटस बार की सेटिंग है, ये जो ऊपर शो करता है आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट हाइडिंग ऑन कर देंगे यहाँ से, अगर फेस लॉक लगा हुआ है तो ऑन हो जाएगा फेस लॉक वेरीफाई करने के बाद। इससे क्या होता है कि अगर आप ऑनर हैं तो आप अगर अपना फ़ोन देख रहे हैं तो आपको ही मैसेजेस वगैरह शो करता है, कोई और देख रहा है थर्ड पर्सन तो उसको शो नहीं करेगा, फेस लॉक वेरीफाई करने के बाद ही शो करता है। और इसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग आ जाता है, तो इसको ऑन रखेंगे तो यहाँ पे डेटा यूसेज शो करता है, जो भी इंटरनेट का स्पीड वगैरह है, यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड नहीं, डेटा लिमिट, जो भी इंटरनेट पे आप डेटा लिमिट लगाते हैं वो, ठीक है। और ये होता है स्नूजिंग, स्नूजिंग मैं रेकमेंड करती हूँ आप बंद रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ही नोटिफिकेशन बार बार आपकी स्क्रीन पे आता रहता है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं है, तो ये रिमाइंडर होता है एक तरह से। रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक को ऑन रखेंगे, और यहाँ पे ये बबल्स ऑन रहता है तो मैं ऑफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो जो बबल्स आते हैं ना नोटिफिकेशन के, तो वो मेरे को नहीं चाहिए होते हैं। इन्हांस नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, व्हाट्सअप वगैरह के नीचे डायरेक्ट रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन रखेंगे तो यहाँ पे जो भी भूले भटके नोटिफिकेशन आपके हट गए हैं यहाँ से, जैसे क्लियर ऑल हो गए आप पढ़ नहीं पाए, तो ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने ऑन किया है, अगर ऑफ़ का ऑफ़ रहेगा आपका तो आप ऑन कर लेंगे, तब से स्टार्ट हो जाएगा। बैक कर लेंगे, स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, मोर सेटिंग पे जाएंगे, सॉरी स्मार्ट सजेशन, स्मार्ट सजेशन ऑन रखेंगे तो यहाँ पे आपको ओला राइड और जो भी फूड डिलीवरी वगैरह होती है वो आपके स्क्रीन पे शो होती है। इसके बाद यहाँ पे ऑल कर देंगे इसको, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे ना ये एप्लीकेशन में आप मैनुअली अंदर से कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसका रिंगटोन आपको बंद करना है तो बंद कर लिया, वाइब्रेशन ऑन करना है ऑन कर लिया, इसका लॉक स्क्रीन का बंद करना है तो बंद कर लिया, ऐसे करके चालू करना है तो ऐसे करके चालू कर लिया। तो ये हो गया अंदर से कस्टमाइजेशन, बाकी बाहर से टोटल बंद करना है तो इसको बंद कर लिया, बैक कर लेंगे तो इसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, नन लिखा हुआ है ना, किसी के चालू करने हैं तो यहाँ से आप ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने ज़्यादा फीचर आ रहे हैं, जैसे इसके नोटिफिकेशन किस टाइप के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे करके इसका रिंगटोन वगैरह बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं ओवरऑल। और टोटली ऑन करने के लिए ऑन कर लेंगे यहाँ से, अगर ऑफ है तो, जैसे ये तो सिस्टम का हो गया, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे टोटली बंद करना है तो बंद कर सकते हैं ऐसे करके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।